हेलो माय डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग इस सेशन में हम आर्ट एंड कल्चर करेंगे एक बड़ा मैराथन सेशन होगा आर्ट एंड कल्चर का और सब लोग जो है आप मार्क करके रखेंगे जो जो क्वेश्चन आपको गलत होता है उस जो क्वेश्चन आपका गलत होता है उसको लिख के रखो सो देट कि आप आगे उसके बारे में अच्छे से पढ़ो ठीक है बाकी जो आते हैं दैट मीन्स कि आपको वो आता है और दूसरा कि मुझे आप कमेंट सेशन में लास्ट में ये बताना कि आपको कितने सही आपके क्वेश्चन हुए हैं और कितने गलत हुए राइट सो लेट्स गेट स्टार्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर वन Papiti is the festival of six Parsis, Jains, Buddhists, and the right answer is Parsis. Papiti is the festival of Parsis. Moving to another question, which of the following uh, festival is celebrated in Tamil Nadu? Onam. बीहू गुड़ी पड़वा पोंगल ये जो चारों ऑप्शन दिखाता है साउथ इंडिया को ही लेकिन हमें तमिलनाडु का देखना है एंड द राइट आंसर इज पोंगल पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु रथ यात्रा लॉर्ड रथ जो रथ यात्रा है ना वो पूरी में होती है और पूरी कहां पे है ओडिशा में Uh, रथ यात्रा इन पूरी सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ किस गॉड के ऑनर में रथ यात्रा को सेलिब्रेट किया जाता है हमारे पास ऑप्शन यहां है लॉर्ड रामा लॉर्ड शिवा लॉर्ड जगन्नाथ लॉर्ड विष्णु शाबाश एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा इन पूरी सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ where is the pushkar fair held it's a very important question here please focus on this where is the pushkar fair held jodhpur jaipur ajmer udaipur and yes the right answer is ajmer is the right answer pushkar fair is held in ajmer madhubani is a style of folk paintings popular in which of the following states of the india madhubani style of painting madhubani paintings are very much famous and very much uh, popular you must be uh, knowing it uh, okay options are madhya pradesh bihar uttar pradesh west bengal and yes the madhubani painting style of paint, painting is a folk style of paintings it uh, is in it belongs to bihar एंड मधुबनी पेंटिंग्स बहुत घनी घनी uh, वो डिज़ाइंस होते हैं जो स्पेसेस वहाँ पे होती हैं उनमें छोटे छोटे नक्श uh, नकाशी की जाती हैं मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार से बिलोंग करती है यूजुअली विमेन uh, बनाती हैं ये पेंटिंग्स द ललित काला अकेडमी इज डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ म्यूजिक डांस ड्रामा फाइन आर्ट्स लिटरेचर ललित काला अकेडमी एंड यस द राइट आंसर इज़ फाइन आर्ट्स किस स्टेट का है हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात एंड राइट आंसर इज नोटंकी इज रिलेटेड टू विट उत्तर प्रदेश यूपी ओके मूविंग फॉरवर्ड

ठीक है तो किसने बम, सलाम बम्बे को डायरेक्ट किया डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ गुजरात महाराष्ट्र झारखंड पंजाब डांडिया इज अ वेरी वेरी पॉपुलर डांस फोक डांस इट्स फ्रॉम गुजरात महाराष्ट्र और झारखंड पंजाब एंड राइट आंसर इज गुजरात गॉट इट भांगरा इज अ डांस ऑफ हरियाणा राजस्थान दिल्ली पंजाब भांगरा It's also very fa uh, famous dance. You must be familiar with it. Bhangra, Bhangra is a dance. of, it's a folk dance, and yes, it is uh, of Punjab. Bhangra and uh, Gidda, right? Uh, Gidda is I think done by women, and Bhangra by men. Bhangra dance uh, is uh, a dance of uh, state Punjab. Kathakali dance is associated with which state? Kathakali dance, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Manipur, and yes, Kathakali is one of the एट क्लासिकल डांस हमारे पास आठ क्लासिकल डांस है उनमें से एक क्या है कथक कली है कथा मीन्स स्टोरी एंड कली मीनस डांस डांस से हम स्टोरी बताते हैं और कथक कली में हाई मेकअप यूज होता है उसमें जो कलर्स होते हैं ना कलर्स डिटरमाइन करते हैं कि रेड ग्रीन ब्लैक विच रॉयलिटी राइट सो कथक कली इज अ क्लासिकल डांस फॉर केरला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन इज केरला ऑप्शन ए हरिप्रसाद चोरासाई इज अ रिनाउंड प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई सरोद तबला फ्लूट एंड द राइट आंसर इज फ्लूट हरिप्रसाद चोरसाई एक वेल नोन प्लेयर किस इंस्ट्रूमेंट का है फ्लूट का गॉट इट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है सो so, ऑप्शन हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोहिनी आत्तम मनीपुरी सत्रिया गरबा एंड यू नो मोहिनी अत्तम मीन्स ब्यूटिफुल वुमेन एंड इट इज ऑफ केरल केरल का क्लासिकल डांस है केरल से बिलोंग करता है मनीपुरी इज फ्राम मनीपुर एंड यस इट इज़ ऑल्सो अ क्लासिकल डांस एंड लॉर्ड कृष्णा एंड पार्वती के गीत गाए जाते हैं सत्रिया इज अल्सो क्लासिकल डांस एंड इट इज फ्रॉम असम सत्रिया बोर गीत्स के बारे में आपने सुना होगा एंड यस गरबा इज अ फोक डांस इट इज नॉट अ क्लासिकल डांस गरबा इज अ फोक डांस एंड इट इज नॉट क्लासिकल डांस सो ऑप्शन डी गरबा इज राइट हियर ओके द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश इज कुचिपुड़ी ओडिसी कथक कली भारतनाट्यम एंड यस द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश इज कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में एक गांव था जिसका नाम था विलेज नेम कुचिपुड़ी नाम था उसका तो उसी गांव के नाम पे इसका नाम पड़ा है कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी जो डांस है एक क्लासिकल डांस है आठ डांसेस में एक है क्लासिकल डांस है और इसमें ब्रास प्लेट पे डांसर ब्रास प्लेट पे खड़े होकर डांस करता है कुचिपुड़ी में और अपना इंट्रोडक्शन भी डांसर देता है और कुछ डायलॉग्स भी बोलता है ओडिसी इज द क्लासिकल डांस फ्राम ओडिशा ओडिशा एंड कथकली कथककली जैसे मैंने आपको बोला केरल से है एंड भारतनाट्यम तमिलनाडु से एंड भारतनाट्यम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांसेस भारतनाट्यम में जो है मद्राज मद्राज का यूज़ किया जाता है हैंड जेस्टर्स का यूज किया जाता है टू शो इमोशंस नौरासास नाइन इमोशंस को शो करने के लिए हैंड जेस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो हमें इमोशंस दिखाते हैं ट्यम ओल्डेस्ट ओल्ड क्लासिकल कुंग्स टू आंध्र प्रदेश क्लासिकल डांस गॉट इट द फर्स्ट टाकी फिल्म प्रोड्यूसड इन इंडिया वॉज शकुंतला राजा हरिश्चंद्र आलम आरा कालीस इट्स फेमस क्वेश्चन बहुत जगह पे मैंने देखा है

सो अजंता पेंटिंग्स है ना ये बेसिकली अजंता केव्स में नाइनटीन ट्वेंटी नाइन केव्स हैं जो बुद्धिस्ट केव्स हैं वहाँ पे उन केव्स में अजंता की पेंटिंग्स हमें दिखती हैं एंड यस इट इट डिपिक्ट जताकाज और जताकाज हो, होता है कि जो है बुद्धा रिलेटेड प्रीवियस लाइव्स ऑफ बुद्धाज सो तो जताकाज इज़ द राइट आंसर अजंता की पेंटिंग्स में क्या दिखाया गया है बुद्धिस्ट टेल्स गंधारा आर्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गंधारा आर्ट यूजली इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में था गंधारा आर्ट ग्रे टू न्यूज होता था दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया एंड यस हेयर इट इज़ ऐसे 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 यहाँ तो इस साइड में इस साइड में गंधारा आर्ट नॉर्थ वेस्टर्न फ्लोरिश हुआ था ज़्यादा एंड किस डाइनासिटी के अंडर किस डायनास्टी के पीरियड पीरियड के टाइम पर हुआ था गुप्ताज मोरियाज कुशान सतवानाज एंड यू नो द राइट आंसर इज कुशांस कुशांस के अंडर फ्लोरिश के पीरियड टाइम पे फ्लोरिश हुआ था और कुशांस का एक इंपॉर्टेंट किंग था कनिष्क कनिष्क और कनिष्क के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल और इस काउंसिल में बुद्धिज्म की दो ये हो गई थी दो पार्ट्स हो गई थी एक तो महायाना एंड हिना महायना बुजिजम एंड हिनायना बुजिज्म इसी में हुआ था एंड कनिष्क uh, के पैटर्निज के अंदर फोर्थ बुजिश काउंसिल हुई थी और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है वो फोर्थ बुजिश काउंसिल कहाँ हुई थी वो कश्मीर में हुई थी ठीक है कश्मीर में हुई थी ओके मूविंग टू अनदर क्वेश्चन जामिनी रॉय डिस्टिंगश हिमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ जामिनी रॉय बहुत एक मशहूर नाम है लेकिन किस फील्ड के किस फील्ड के रिलेटेड क्लासिकल डांस सिंगर ड्रामा पेंटिंग द राइट आंसर इज पेंटिंग मूविंग फॉरवर्ड राजा रवि वर्मा वॉज अ फेमस सिंगर राइटर पेंटर डांसर राजा रवि वर्मा बहुत ज्यादा मशहूर है और सबको पता है ये वो एक फेमस क्या था वो पेंटर था राजा रवि वर्मा ठीक है ओके ए सेमी सर्क्यूलर स्ट्रक्चर विद डोम शेपड रूप इरेक्टेड ओवर द सेक्यूर्ड रिलेिक्स ऑफ बुधा इज नोन एज सेमी सर्क्यूलर स्ट्रक्चर विदूम शेपड रूप इरेक्टेड उज मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया इट इस नोन एज स्तूपाज और सबसे ज्यादा स्तूपाज किस टाइम पे जो है क्लाइमेक्स कब हुआ स्तूपा stup मेकिंग का अशोका जो कि एक मोरियन किंग था अशोका द ग्रेट जिसको हम बोलते उसके टाइम पे जो है सबसे ज्यादा स्तूपास बनाए गए एंड इट हैजिन नोटेडेड एट्टी फोर थाउजेंड स्तूपास बनाए गए अशोका के टाइम पे और uh, सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में है सांची सांची स्तूपा जो है ये अशोका ने बनाया है और बुधा के लिए बुधा की डेथ जब हुई ना तो नाइन्थ स्तूपाज बनाए गए आठ में रिलीक्स रखा गया और नाइन्थ में क्या रखा गया वो वेसल्स वो बर्तन जिसमें एशज थे तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्तूपाज और स्तूपाज एक सेमी uh, सर्कुलर होता है स्ट्रक्चर होता है ठीक है तो लेकिन ये है हाँ ये सिर्फ uh, बुधिज़्म के टाइम ही नहीं दिखा स्तूपाज ये पहले वैदिक टाइम से अवेलेबल था लेकिन बुधिज़्म के टाइम बुद्धिज़्म से ये फेमस हुआ स्तूपा वाला कॉन्सेप्ट ठीक है यक्ष गाना इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया केरल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक यक्ष एंड यक्षनी आप uh, ने सुना होगा यक्ष गाना ये एक फोक डांस है ठीक है याद रखना फोक डांस है लेकिन किस स्टेट का साधर्न इंडिया का ही है लेकिन किस स्टेट का एंड यस इट इज ऑफ कर्नाटक कर्नाटक का है, ये फोक डांस है यक्ष गाना लीला सैमसोन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द्लासिकल इंडिया इंडिया इट इज भारतनाट्यम विच ऑफ दॉट रिलेटेड टू गजल सिंगिंग इनमें से कौन सा गजल सिंगिंग के साथ रिलेटेड नहीं है बेगम अख्तर मल्लिका पुखराज पैनाज मसानी हराबाई वरा वराडकर राइट आंसर हियर इज हराबाई वराडकर द फोक डांस बोहाग बीहू इज पॉपुलर इन असम बिहार और अरुणाचल प्रदेश वेस्ट बंगाल बीहू एक फोक डांस है बहुत मशहूर है तो फोक डांस बोहाग बीहू इज पॉपुलर इन एंड डांस इज असम बिहू डांस मशहूर है आसाम का फोक डांस

के लिए माने जाते हैं सो दिस इज द राइट आंसर गॉट इट बाकी गलत है okay. इनमें से सबसे ज्यादा बड़ा एक folk dance को, किस स्टेट का है राजस्थान का छाव, गिद्दा घूमर बिहू अभी हमने देखा आ, मैंने आपको बोला गिद्दा बिहू हमने देखा आसाम है ना तो दैट तो मीनस ये नहीं आएगा Elimination method से भी आप कर सकते हो गिद्धा मैंने आपको बोला और और पे होता है? होता है? है, है? है पंजाब में ठीक छाव डांस जो ना वो झारखंड से तो बचा घूमर क्या? बचा घूमर इज अ राइट आंसर घूमर इज रिलेटेड टू राजस्थान विच ऑफ नॉट अ क्लासिकल डांस कथक ओडिसी गिद्धा मणिपुरी एज ऑल ऑफ यू नो कथक इज एन क्लासिकल डांस फ्रॉम कथक कथक जो है ना कथक है एक तो कथकली है कथकली है, केरल है का कथक है इंडिया इंडिया यूपी का Odyssey, 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 मिनिपूर का का ओडिसी है मणिपुरी मणिपुर ना गिद्धा क्लासिकल डांस इट ओके विच फॉलोइंग पेयर इज मैच करेक्टली इनमें से कौन सा करेक्टली मैच करके भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश कूचीपुड़ी कर्नाट कथकली केरल एंड कथक तमिलनाडु तो आपको बताना एक ही पेयर इसमें करेक्टली मैच है वो कौन सा है ऑप्शन सी कथक कली इज द राइट आंसर क्योंकि कथक कली कहां का है केरल का है कुचिपुड़ी कहां का है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है इट इज नॉट फ्रॉम कर्नाटक इट इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश कथक कहां का है कथक इज नॉट फ्रॉम तमिलनाडु इट इज फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया अगर यूपी लिखा होता है नॉर्थ इंडिया वो ठीक था और भारतनाट्यम जो है ना भारत नाट्यम इज नॉट फ्रॉम आंध्र प्रदेश इट इज़ फ्रॉम तमिलनाडु सो येस ऑप्शन सी ही इज राइट हेयर कथक इज फ्रॉम केरल बाकी ऑप्शन गलत है बिकॉज भारत नाट्यम इज फ्राम तमिलनाडु कुचिपुड़ी इज फ्राम आंध्र प्रदेश एंड कथक इज फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया और यू पी एंड सो हेयर ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर पंडित भीमसेन जोशी इज फ्लूट प्लेयर ओडिसी डांसर हिंदुस्तानी वोकलिस्ट स्टार मैस्ट्रो चूज द राइट आंसर पंडित भीमसन जोशी बताइए एंड द राइट आंसर इज एक साइड से पेंटिंग्स देखे हैं और दूसरे साइड दूसरे साइड से रीजन देखे हैं कि कहां पर पेंटिंग्स फ्लोरिश हुई तो इनमें से हमें देखना है करेक्टली मैच कौन करता है कौन करता है कालीघार पेंटिंग्स कोलकाता पहाड़ पेंटिंग्स जिनको हम स्क्रॉल पेंटिंग्स भी बोलते हैं पंजाब मधुबनी पेंटिंग्स बिहार कलमकारी पेंटिंग्स आंध्र प्रदेश चूज द राइट आंसर इनमें से कौन सा पेयर जो है सही से मैच करके है राइट आंसर इज ऑप्शन सी जैसे कि मैंने आपको बोला मधुबनी पेंटिंग्स कहाँ की है मधुबनी स्टेट ऑफ पेंटिंग्स बिहार का है जहां पे औरतें मधुबनी पेंटिंग्स बनाती थी बाकी गलत है take फॉर आर्ट एंड कल्चर पेंटिंग्स प्ले पेंटिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल यू गेट क्वेश्चन फ्राम पेंटिंग एरिया यू गेट क्वेश्चन फ्राम आर्किटेक्चर एरिया राइट एंड क्लासिकल डांस एरिया गीता गोविंदा फेमस बुक ऑफ जया देवा वॉज रिटन इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग लैंग्वेज और ये आपको पता हो याद रखना बहुत ज़रूरी है गीता गोविंदा जो है ना किसकी किताब है किसकी लिखी हुई किताब है जया देवा की ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में गीता गोविंदा हैज़ बिन रिटन बाय जया देवा और किस लैंग्वेज में लिखी गई है संस्कृत पाली प्राकृत हिंदी लिटरेचर से क्वेश्चन है ये लिटरेचर वाले पार्ट से आर्ट एंड कल्चर के गीता गोविंदा जो जया देवा ने लिखी है किताब उस वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है एंड इट विच ऑफ पेयर्स आर करेक्टली मैच गरबा गुजरात तमिलनाडु नौटंकी उत्तर प्रदेश मैंने आपको बताया मोहिनीतम का मतलब होता है ब्यूटिफुल विमेन एंड इट्स अ क्लासिकल डांस एंड इट इज फ्रॉम केरल इट्स फ्राम केरला नॉर्थ तमिलनाडु तमिलनाडु का भारतनाट्यम है यस नोटंकी इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश इट इज राइट बट जो मोहिनी आतम है इट आर फ्रॉम केरल नॉर्थ तमिलनाडु सो अगर आप टू को काटोगे यहाँ पे देखो दो ऑप्शन अब आपके पास क्या है दो बज गए ओनली वन एंड ओनली थ्री लेकिन आपको पता है नोटंकी बहुत मशहूर है उत्तर प्रदेश से तो थ्री तो गलत हो नहीं सकता है ना तो ऑब्वियसली तो गरबा इज फ्राम जो है गुजरात वन एंड थ्री विल बी द राइट आंसर हेयर

Uh, 1024 हाइम्स आर देयर आई थिंक और जो है इनमें से ये इनमें से कितने कौन से वेदा वेदात्रेया से बिलोंग करते हैं एंड यस राइट आंसर इज तो इनमें से कौन सा नहीं बिलोंग करता है वेदात्रया से सो हियर द राइट आंसर इज अथर्वादा बाकी ऋग्वेदा समवेदा ऋजुर्वेदा बिलोंग टू दिदा त्रया पार्ट लेकिन अथर्वा वेदा विद्या त्रया पार्ट का विद्या त्रया का पार्ट नहीं है ठीक है विच द फॉलोइंग इज नॉट ए अस्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें स्ट्रिंग्स uh, नहीं है तारे नहीं है संतूर वीना वायलिन शहनाई एंड यस द राइट आंसर इज शहनाई विच म्यूजिकल विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी इन्वेंटेड बाय अमीर खुस्रो अमीर खुसरू ने इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया सितार शहनाई वायलिन अमीर खुसरू के बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम मडीवल और हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन इन पे भी आते रहते हैं एंड uh, इन्होंने कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है सितार इज द राइट आंसर सितार गॉट इट तमाशा इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट तमाशा इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र एंड राजस्थान एंड जो तमाशा है ना आप ऐसे याद रख सकते हो हम तमाशा देखते हैं ना मूवी देखते हैं मूवीज कहां पे बनती है मुंबई में मुंबई कहां है महाराष्ट्र में तमाशा फोक डांस है महाराष्ट्र का कहां का है महाराष्ट्र का तमाशा सो महाराष्ट्र महाराष्ट्र ऑप्शन सी इज द राइट आंसर उत्तराखंड राजस्थान कर्नाटक नागालैंड हॉर्न फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑफ़ इंडिया बहुत मशहूर है इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे वहाँ और उन्होंने वो अटायर भी पहना था जो वहां पर पहनते लोग हॉनबिल फेस्टिवल इज सेलिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड द राइट आंसर इज शाबाश नागालैंड नागालैंड इज वन ऑफ द सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नागालैंड जो है ये हमारा ऐसे पार्ट है नॉर्थ ईस्ट पास इंडिया का ऊपर अरुणाचल प्रदेश है नीचे नागालैंड है सो यस नागालैंड का ये फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल राइट ओके मूविंग टू नदर क्वेश्चन चालोकिया टेम्पल जो की जैन टेम्पल है चालोकिया टेम्पल्स एट दिलवारा ठीक है एक हिल है एक आर स्टेट इन मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान हरिया हरियाणा चालों क्या टेम्पल टेम्पल जो है उनमें से यह है क्या जैन टेम्पल है जैनिज़्म एक, 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 एक रिलीजन है ना जैन टेम्पल है कहाँ पे दिलवारा में ठीक है दिलवारा में और ये कहाँ पे है दिलवारा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान एंड हरियाणा एंड येस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी राजस्थान में तो चालुक्या चालुक्याज ने बनाया है चालुक्या डायनास्टी थी एक जैन टेम्पल बनाया कहां पे दिलवारा में राजस्थान में इंपॉर्टेंट है कोलातम क्या आपको पता है जो महावीर थे वो कौन से तर, तिथनकार थे जैनिज्म के किस नंबर के तिथनकार थे जैन, जैनिज्म के महावीर महावीर कमेंट सेक्शन में लिख लेना जरूरी ठीक है ओके okay. कोलत्तम एंड चोलिया आर द डान्स फॉर्म्स ऑफ विच आर द फॉलोइंग टू स्टेट्स कोलत्तम एंड चोलिया ऑप्शन ए केरल एंड कर्नाटका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश एंड उत्तराखंड ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश ऑप्शन डी कर्नाटक एंड बिहार कोलत्तम एंड चोलिया इंडिया द राइट आंसर इज़ आंध्र प्रदेश एंड उत्तराखंड दैट मीनस कोलत्तम इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड चोलिया इज फ्रॉम उत्तराखंड एंड यस द कोलतम जो डांस है ना वो बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश स्टेट्स के साथ और चोलिया जो है वो बिलोंग करता है उत्तराखंड के साथ ठीक है बच्चा लोग आर यू एंजॉइंग सीरीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन क्या आपको की सीरीज कैसी लग रही है सत्या इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट सत्या इज अ क्लासिकल डांस ऑफ ओहो सत्या क्लासिकल डांस ऑफ आसाम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर और बेंग, वेस्ट बंगाल इंडिया uh, क्लासिकल डांस है असम का ठीक है और, uh, और मैंने बोला था बोर गीत के बारे में राइट सो दिस इज इज द द राइट वन वन ऑफ अमंग एट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया ठीक है ओके मूविंग टू अनदर क्वेश्चन पैट्रॉन्स ऑफ पैट्रॉन्स ऑफ संगमा लिटरेचर संगम लिटरेचर के बारे में आपने सुना होगा संगम सोसाइटी हु आर द दैटर्न ऑफ संगमा लिटरेचर चंडेलास ये जो सारे डायनास्टीज के बारे में लिखा ना साउदर्न इंडिया में थे और संगम पीरियड uh, भी साउदर्न इंडिया की बात होती होती है उसमें हमें साउथ इंडिया दिमाग में आता है सो हु आर द पैटर्न ऑफम संगम लिटरेचर चंडेलास नायकाज पांडियाज सोलांकीज इंडिया द राइट आंसर इज ओके द वर्ड सत्यमय जयते हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद अक्षिप उपनिषद मुंदाका उपनिषद गुदा उपनिषद महावाक या उपनिषद एंड बीन डिराइव्ड फ्रॉम ऑप्शन बी का उपनिषद राइट ओके कलमकारी पेंटिंग रेफर्स टू कलमकारी पेंटिंग रेफर्स टू हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया ए हैंड मेड ड्राइंग ऑन बैंबू हैंडीक्राफ्ट इन नार्थ इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया ब्लॉक पेंटेड वुलन क्लोथ इन वेस्टर्न हिमालयन रीजन इन इंडिया ए हैंड पेंटेड डेकोरेटिव सिल्क क्लोथ इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया कलमकारी पेंटिंग्स पेंटिंग रेफर्स टू

इन साउथ इंडिया ओके मूविंग टेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है एक, बहुत बार आया है एग्जाम में एंड ये बेसिकली एक चैप्टर है आर्ट एंड uh, कल्चर में बेसिकली जब हम uh, इंडिया की पहले एंशंट टाइम्स में आउटसाइड कंट्रीज़ uh, uh, की के साथ एसोसिएशन रिलेशन relations की बात करते हैं और वहाँ पे ये कैटेगोरिकल लिखा है एनसीआर में भी द फेमस विष्णु टेम्पल सबसे पहली बात आपको याद रखना है ये विष्णु टेम्पल है ठीक है लॉर्ड विष्णु के लिए इन अंकोर अंकोरवट अंकोर अंकोर अंकोरवट में इन कम्बोडिया वॉज बिल्ड बाई ठीक है कम्बोडिया में अंकोर अंकोरवट टेम्पल है एक इसको हम अंकोर अंकोरवट टेम्पल बोलते हैं विष्णु टेम्पल है ये ठीक है ठीके? ये किसने बनाया शत्रु शु, श्रुता शु, वर्मन सूर्य वर्मन सेकंड इंदिरा वर्मन इन रुधा चूज अ करेक्ट ऑप्शन टेंपल बहुत इंपॉर्टेंट है कंबोडिया में विष्णु टेम्पल किसने बनाया एंड यस इट इज वाज बिल्ट बाय वर्मन सेकेंड सूर्यवंश के uh, जो किंग थे सूर्य वर्मन सेकंड उन्होंने बनाया विष्णु टेम्पल इन कंबोडिया में ठीक है ओके द फेमस दिलवारा टेम्पल एट माउंट अबू और अ सेकेंड पिलग्रमेज प्लेस फॉर अभी हमने देखा था दिलवारा कहाँ पे राजस्थान में चालोकियाज ने बनाया था जेन टेम्पल फेमस दिलवारा टेम्पल एट माउंट अबू कहाँ पे माउंट अबू और जेन्सूज एंड पार्सीज एंड जेन्स दैट मीन्स मैंने आपको बोला था वो हिल है वहां पर एक माउंट है uh, जो है माउंट अबू है कहाँ पर दिलवारा दिलवारा में और दिलवारा में एक टेम्पल बना है जैन टेम्पल जो कि चालुक्य क्या बनाया था सो इट्स फॉर जेन्स देयर ओके विच मोमेंट इज नोन एज अ ड्रीम इन स्टोन सॉरी विच मोनोमेट विच मोनोमेट इज नोन एज अ ड्रीम इन स्टोन ताजमहल रंग महल रेड फोर्ट महल तो यहाँ पे आपके लिए एक असाइनमेंट है मुझे बताइए ताजमहल किसने बनाया रंग महल किसने बनाया रेड फोर्ट किसने बनाया और महल किसने बनाया डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिल्कुल मैं मॉनिटर कर रही हूँ खुद कमेंट्स को और जो भी बच्चे रेगुलरली हमारे चैनल के साथ एसोसिएटेड है मैं देखना चाहती हूँ लेकिन सब लिख लेना ठीक ये नहीं कि बस एक ने लिखा तो बाकी नहीं लिखेंगे सारे लोग लिखो ताजमहल किसने बनाया रंग महल किसने बनाया रेड फोर्ट किसने बनाया पंचमहल किसने बनाया राइट तो इनमें से किसको बोला जाता है ड्रीम इन इस किस अस्टोनेंट को आंसर हेयर इज पंचमहल सो पंचमहल इज कॉल्ड एज द ड्रीम इन स्टोन इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मोनोमेंट ऑफ फतेहपुर सिकरी सो येस व्हाट इज़ द महरोली पिलर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट व्हाट इज़ द ये इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं ना ये रिपीटिडली आए हैं एग्जाम्स में व्हाट इज़ द महरोली पिलर इन द कम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार प्रायमरली फेमस फॉर महरूली पिलर क्यों मशहूर है जो कि कुतुब मीनार कम्प्लेक्स में है प्रोवरबियल हाइट स्किलफुल स्टोन कटिंग एक्सलेंट क्वालिटी स्टील स्टेटू ऑफ बुद्धा ऑन टॉप किस चीज़ के लिए महरूली पिलर मशहूर है क्या आपने मेहरुली पिलर पढ़ा है कहीं पे एंशंट हिस्ट्री में एंड राइट आंसर इट इट इज इट इज इट इज फेमस फॉर एक्सलेंट क्वालिटी ऑफ स्टील इंडियन मुगल पेंटिंग्स ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्परर जो इंडियन मुगल पेंटिंग्स है ना ये किस मुगल एम्पर के टाइम पे ऑरिजिनेट हुई हिमायू अकबर जहांगीर शाहजहां एंड राइट आंसर इज हिमायूं के टाइम पे हुई थी और क्लाइमेक्स पे बहुत अरूज पे किसके टाइम पे पहुंची थी जहांगीर के टाइम पे जो पेंटिंग्स है ना क्लाइमेक्स पे पहुंची थी बहुत अरूज पे पहुंची थी क्योंकि जहांगीर जो है ना वो खुद एक पेंटर थे और वो नेचुरल पेंटिंग नेचुरल उसको पसंद थे पेंटिंग में ग्रुप ऑफ मोनोमेंट्स एट हेम्पी वाज बिल्ट बायपी किन की ये थी कैपिटल थी तो हेम्पी पे जो ग्रुप ऑफ मोनोमेंट्स हैं वो किसने बनाए हैं हरिहर हरिहर एंड बुक्का उदयन एंड शिशुनागा देवा वर्मन एंड वेनिया मरा वर्मा एंड सिरमारा एंड ग्रुप ऑफ मोनोमेंट्स एट हम्पी जो है किसने बनाई हरिहर एंड बुका ठीक है हरिहर एंड बुक्का ने आपने विजयनगर नगर एम्पेयर के बारे में पढ़ा है In में कौन सा स्क्रिप्ट यूज होता था ब्राह्मणी दीवानगिरी गुरुमुखी संस्कृत एंड द राइट आंसर इज ब्राह्मी ब्राह्मी सॉरी ब्राह्मणी नहीं ब्राह्मी स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट था ब्राह्मी दूसरा था खरोश थी वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया साइड से ज्यादा ये था फेमस

गगनिंद्रा नाथ टैगोर अबिंद्राथ टैगोर नंदलाल बोस जामिनी रॉय बताइए बहुत मशहूर पेंटिंग है भारत माता अभिंद्रनाथ टैगोर ने ये बनाई है अभिन्द्रनाथ टैगोर इज अ पेंटर हु इज फेमस फॉर पेंटिंग भारत माता राइट मूविंग टू अनदर क्वेश्चन द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जीव इज नेमड एज द एनालिकोरा बाइबल जंद अवेस्ता रिलिज द रिलीज टेक्स जीव इज नेम्ड एज ये तोहरा राइट गॉट इट ओके संघाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इनजोराम नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश संघई फेस्टिवल संघाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन मिजोराम नागालैंड मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश एंड यस द राइट आंसर इज मणिपुर संघाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर मणिपुर में एक में पे आप बताऊंगी सो संगई फेस्टिवल किसके लिए मशहूर है कहाँ किस स्टेट में मशहूर है मणिपुर मणिपुर में लोकतक लेक है ठीक है लोकतक लेक है वहाँ पे एक आ, हैंगिंग आ, पार्क है क्लेम क्लेमजो पार्क इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसको बोलते हैं और वहाँ पे संगई डियर पाए जाते हैं संगई डियर पाए जाते हैं वहाँ तो संगई फेस्टिवल मणिपुर में मशहूर है

सारंगी सितार विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है इनमें से इंडिया आंसर इज नदस्वरम नीच आर द फॉलोइंग इज अ प्रिक्यूशन इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट सॉरी विच आर द फॉलोइंग इज अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट फ्लूट वायलिन तबला शहनाई एंड यस द राइट आंसर इज तबला वीच आर द फॉलोइंग प्लेस ऑफ सिख रिलीजन हेरिटेज इज़ नॉट इन इंडिया इनमें से कौन सा जो सिख रिलीजन के साथ एसोसिएटेड ना उनकी हेरिटेज के साथ एसोसिएट है इंडिया में नहीं है नंदेद किशगढ़ केशगढ़ साहिब पोंता साहिब नानकना साहिब चूज़ द राइट आंसर जो इंडिया में नहीं है क्योंकि सिख रिलीजन पंजाब जो था ना उसके दो हिस्से हो गए पार्चन के टाइम एक इंडिया की ओर आए और दूसरा पाकिस्तान की ओर आए एंड द राइट आंसर इज़ नानकना साहब गॉट इट ठीक है तो ये पाकिस्तान साइड में आया था ओके okay. अमृता शेर गिल अमृता शेर गिल वॉज अ फेमस वोकलिस्ट पेंटर डांसर राइटर अमृता शेरगिल And the right right? answer is Okay. Who among the following is a famous festival of Kerala? Sorry, which among the following is a famous festival of Kerala? Onam, उगा पोंगल गुड़ी पड़वा देखो इंग्लिश ग्रामर भी मैं आपको पढ़ाती हूँ मैंने अभी पढ़ा था हु वो गलत था क्यों क्योंकि हु हम तब पढ़ते हैं जब कोई पर्सन होता है ठीक है तो जब नॉन लिविंग थिंग होती है ना तो विच हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल्स की बात करते तो विच आता हु नहीं आता ठीक है <laughs> इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर भी दुरुस्त विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ केरल ओनम उगाड़ी पोंगल गुड़ी पड़वा एंड द राइट आंसर इज ओनम गुड़ी पड़वा मैंने आपको बोला था तमिलनाडु का सॉरी uh, पोंगल मैंने आपको बोला था तमिलनाडु ताम, uh, का है सो ओनम इज रिलेटेड टू केरल ठीक है सो ऑप्शन इज द राइट आंसर है द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र का पॉपुलर डांस फॉर्म इनमें से कौन सा है लावनी नोटंकी गाथा मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम मूवी देखते हैं हम क्या देखते हैं सॉरी सॉरी ये तमाशा इज अ फोक थिएटर है महाराष्ट्र का पॉपुलर डांस जो महाराष्ट्र का है वो लावनी है लावनी इज अ राइट आंसर ठीक है शाबाश Uh, who among the following is a distinguished tabla player? Hari Prasad Charusai, ये हमने देखा अभी क्या flute के साथ Amjad दो बार हम इसका question आया ना Hari Prasad Charusai का Amjad Ali Khan, Zakir Hussain, Bismillah Khan, tabla player player. And the right answer is Zakir Hussain. Right? तो ये tabla बजाने में बहुत मशहूर थे tabla के लिए बजाने के लिए ठीक है उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज़ फेमस फॉर फेमस डायजस्ट प्लेयर ठीक है उस्ताद बिस्मिल्ला खान क्यों मशहूर थे एक, आ, हमने इससे पहले किया था मैच द फॉलोइंग करेक्टली उनमें से एक ही मैच हमने देखा था सही बाकी गलत है तो वो भी आपको क्लियर अब हुए ठीक है उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज़ फेमस फॉर डायजस्ट प्लेयर इसमें ऑप्शन गलत आया है नीचे ही वॉज फेमस फॉर शहनाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हेयर ये गलत आया नीचे ठीक है सो इसको करेक्ट करना सम मिस्टेक ठीक है सो इट इज ऑप्शन सी हेयर राइट आंसर शहनाई के लिए बिस्मुल्ला खान उस्ताद बिस खान मशहूर थे गॉट इट ओके फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग इनमें से ऑड वन आउट कर लीजिए कुचिपुड़ी मोहिनीतम बिहू मणिपुरी क्या लगता है आपको देखो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश से मोहिनीतम क्लासिकल डांस है केरल से मणिपुरी क्लासिकल डांस है मणिपुर से ठीक है और जो बीहू है ना ये फेस्टिवल है बिहू असम से ठीक है सो बाकी क्लासिकल डांस है बीहू इज द राइट आंसर क्योंकि बिहू और यहां पे है बिहू इज नॉट अ क्लासिकल डांस सो ऑप्शन सी बिहू इज अ फोक डांस वेल अदर्स आर क्लासिकल डांसेस सॉरी ये बिहू फोक डांस है मैं क्या बोल रही हूँ बिहू फोक डांस है लेकिन कहाँ का है ये आसाम का है इंडिजिनस फोक डांस है आसाम का और बीहू फेस्टिवल मनाया जाता है ये एक बहुत ही आसामीज कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है बिहू फेस्ट, बिहू फेस्टिवल और उसमें बिहू डांस भी किया जाता है तो बाकी ये क्लासिकल डांस है बिहू इज अ फोक डांस आसाम ठीक है

अगर हम तेलुगु की बात करेंगे तेलुगु को 2008 में एज क्लासिकल सॉरी मैं डांस बोल रही हूँ क्लासिकल लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किया गया कनाडा की अगर हम बात करेंगे कन्नड को भी 2008 में ऐड किया गया ठीक है तो फिर क्या बचा और संस्कृत भी एक क्लासिकल लैंग्वेज है तमिल भी एक तामिल को 2004 में और संस्कृत को 2005 में इसमें ऐड किया गया सो ऑप्शन ए मराठी इज़ द राइट आंसर ये क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है इंडिया की ठीक है हु अमंग द फॉलोइंग म्यूज कम्पोजर्स वॉज डेफ इनमें से uh, कौन सा म्यूजिक कम्पोजर ऐसा है जो डेफ था लुडविंग वैन बिथोवन जॉन सेबस्टेन बैच रिचर्ड स्ट्रॉस जॉनस ब्रह्म चूज द राइट आंसर कौन सा था इनमें से डेफ लुडविन वैन बिथोवन इज द रंसर पिचॉर द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रिंग इंस्ट्रोमेंट इनमें से स्ट्रिंग इंस्ट्रोमेंट कौन सा नहीं है गिटार स्टार वायलिन ट्रमपेट ट्रम्पेट इज द राइट आंसर विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकुमेंट हरिप्रसाद चौरसा एसोसिएटेड फ्लूट सरोज सितारीना हमने बहुत बार किया हरिप्रसाद चौरसा ठीक है मार्शल डांस इनमें से कौन सा मार्शल डांस कथकली बांबू डांस ऑफ मेघालय छाओ आप मयूरभंज बागरा आप पंजाब इनमें से कौन सा है मार्शल डांस

इसका जो ऑरिजिन है वो मार्शल आर्ट्स में है मयूरभंज के सुबह शाह मयूरभ मयूरभंज इज द राइट आंसर हेयर गॉट इट ओके हु बिलीव टू हैव क्रिएटेड द रागा मिया की मल्हार एक राग है डिफरेंट राग्स होते हैं ना म्यूजिक में तो राग मियाँ की मल्हार बहुत इंपॉर्टेंट है ये 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 बिलीव क्या किया जाता है किसने क्रिएट की है क्या ये तानसन ने की है बीजू बावरा की आमिर खुसरु एन स्वामी हरिदास देखो दो चीज़ें टानसन और आमिर खुसरो पे क्वेश्चन आता है आप पढ़ लेना ये कौन थे अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो मियाँ की मल्हार किसने बनाई है तानसन ने तानसन अकबर के कोर्ट में था एक म्यूजिशियन था ठीक है तानसन इज द राइट आंसर हेयर बिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नोन फॉर एम्ब्रॉयडरी फॉरम ऑफ चिकनकारी हैदराबाद जयपुर भोपाल लखनऊ विच आर द फॉलोइंग प्लेस इज वेल नोन फॉर द फॉर द एम्ब्रॉयडरी फॉर्म ऑफ चिकनकारी कौन सी प्लेस मशहूर है इनमें से एम्ब्रॉयडरी चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी फॉर्म के लिए लखनऊ लखनऊ का सूट है ना चिकनकारी लखनऊ की बहुत मशहूर है सॉरी दिस इज द राइट आंसर विच आर द फॉलोइंग फोक डांसिस इज एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के साथ कौन सा फोक डांस एसोसिएटेड जोरा विधि रूफ एंड सूसी the kolkata new delhi रोफ hyderabad sahitya academy pe bhi साहित्य aate hain iska मुंबई new इसका mein hai which में है which of the following folk tribal dances is associated with उत्तर प्रदेश इनमें से कौन सा डांस उत्तर प्रदेश के साथ एसोसिएटेड तमाशा मैंने आपको बोला कहाँ का है तमाशा Uh, महाराष्ट्र का है रोफ बोला जम्मू एंड कश्मीर का ठीक है बा, बागुम सो जोहरा इज द राइट आंसर इट इज एसोसिएटेड विद उत्तर प्रदेश विच वन जोहरा ऑप्शन डी विच आर द फॉलोइंग फोक डांस इज विद राजस्थान इनमें से कौन सा एसोसिएट है राजस्थान से रोफ जोहरा विधि एंड सुसिनी जोरा तो पता है उत्तर प्रदेश के साथ है रोफ पता है जम्मू एंड कश्मीर के साथ है तो साथनी इज विद राजस्थान ठीक है सुसिनी किसके साथ है राजस्थान आर एस आपको याद पी क्यू आर एस है ना आर के बाद ऐसा तो पत, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप तो रोफ है जम्मू एंड कश्मीर जोरा इज यूपी यू एंड सुसनी इज राजस्थान राइट गॉट एट शाबाश चोलोई चौली हॉई एंड चौली हॉई साहिब फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई विच कम्युनिटी ऑफ इंडिया जोरेस्टोरियन जोरेस्टोर सिंधी हिंदू पारसी द राइट आंसर इज सिंधु हिंदू सिंधी हिंदू इसको सेलिब्रेट करते हैं जाली काटू इज विद व्हिच इंडियन फेस्टिवल ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाली काटू केस गया था ओनम पोंगल बिहू एंड हॉर्नबिल मैंने आपको बोला ओनम केरल में होता है पोंगल तमिलनाडु में होता है बिहू आसाम में हॉर्नबिल नागालैंड में है ना अभी हमने पढ़ा तो जो पोंगल है ना ये कहाँ पे होता है तमिलनाडु में होता है और जाली काटू जो है एक बुल बुल फाइटिंग की जाती है जिसमें वो बुल जख्मी भी होते हैं तो इसलिए बेन आया था इस पर तो वो पोंगल के टाइम इंडियन फेस्टिवल जब पोंगल होता है ना उसी टाइम जाली काटू खेला जाता है तमिलनाडु में ठीक है तो दिस इज द राइट आंसर विच वन ऑप्शन बी तमिलनाडु में होता है काटू पोंगल के टाइम पे द पेंटिंग्स ऑफ बोधी सतवा पदमा पानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफन इलास्ट्रेटेड पेंटिंग्स एड बोधी सतवा पदमा पानी जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट फेमस पेंटिंग्स है कहाँ पर अजंता बदानी बाग इोरा इोरा में थर्टी फोर केव्स हैं भाग में नाइन केवस है आपने पढ़ा होगा अजंता महाराष्ट्र में 29 केव्स है जो बुद्धिज्म के साथ बिलोंग करते हैं एलोरा में 34 फोर केव्स है जो तीनों बुद्धिज्म जैनिज्म एंड हिंदू के साथ बिलोंग करते हैं बाग में रिवर बाग में नाइन केव्स है जो बुद्धिज्म को बिलोंग करते हैं ठीक है तो इन्हीं केव्स में पेंटिंग्स की गई है ना तो भोजी बो, बो, सत्वा पदमा पानी कहाँ पे है अजंता में क्योंकि अजंता में जो भी ट्वेंटी नाइन केव्स हैं वो ऑल बिलोंग टू तो बुद्धिज्म एंड बोजी सत्वा पदमा पानी ऑब्वियस रिलेटेड टू बुधा ठीक है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड इज अंगामी नागामी संगनतम एंड इंग्लिश एंड यस द राइट आंसर इज इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है नागालैंड की इंग्लिश है ठीक है कैसा लग रहा है आपको ये सेशन और uh, कितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए और क्या आप चाहते हैं ऐसे हो रहा है

छतिया एंड विहार है ना दोनों केव्स हैं जो छतिया है ना वो वर्शिप हॉल है सॉरी जो है ना वो वर्शिप हॉल है और जो विहार है वो डिवेलिंग प्लेस है किसके लिए मॉक्स के लिए सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर छतिया इज द प्लेस ऑफ वर्शि फाइल विहार इज द डिवेलिंग प्लेस ऑफ द मॉक्स सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हेयर बरहुत स्तूपा वॉज बिल्ड बाय अशोका इट इज लोकेटेड जो बरहुत स्तूपा है ना अशोका ने बनाया और ये कहाँ पे बिहार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश कर्नाटक बरहुत स्तूपा जो कि अशोका ने बनाया मध्य प्रदेश में है बरहुत स्तूपा याद रख लेना सबसे ज्यादा स्तूपास कंस्ट्रक्ट हुए कब कब अशोका के टाइम पे 84 फोर था तो स्तूपास बनाए गए गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इन एक्सिस्टेंस इन गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट कब एक्स पे एक्जिस्टेंस में आया माह हिना सेक्ट वैश्नवा सेक्ट एंडवा विश्ण, सेक्ट इन द राइट आंसर इज महा सेक्ट देखो गंदारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ना कुशांस के अंडर फ्लोश हुआ कुशांस एक सबसे कुशांस का एक सबसे बड़ा लीडर था एक अच्छा किंग था कनिष्क एक आ, माना जाना बहुत फेमस है कनिष्क कनिष्क के अंडर हुई फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुई कश्मीर में तो देखो कैसे इसको आप मिलाओगे गंदारा स्कूल जो है ना गंदारा सकूल किसके अंडर फ्लोश हुआ कुशानस के अंडर के फॉर कुशांस के फॉर कनिष्क एक फेमस रूलर था के फॉर कश्मीर कश्मीर में कनिष्क ने कराई फोर्थ बुधश काउंसिल वहां पे बन गया महाना सेक्ट तब तक बुधजुम का कोई सेक्ट नहीं था ऐसे महाना वहना तब तक फिर उसके बाद हुआ दो सेट्स हिना बुधजम एंड माह बुधजुम महाना महाना बुजम को बोलते हैं व्हील एंड हिना को बोलते हैं लेसर व्हील सो ऑप्शन ए हियर इज़ द राइट आंसर माह बुधज़म माइनस एक्ट ठीक है शाबाश शाहबाश आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट द स्कूल ऑफ आर्ट इन द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पंजाब नियर मॉडर्न पिशा एंड अफगानिस्तान द मथुरा स्कूल फ्लोज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना द अमरावती स्कूल ऑफ ऑफ आर्ट ऑन द बैंक्स रिवर कृष्णा दोस्तूफा मेकिंग जो है ना वो तीन तरह की सॉरी स्कल्पचर मेकिंग तीन तरह की तीन स्कूल्स एक तो गंदारा स्कूल मथुरा स्कूल एंड अमरावती स्कूल अमरावती में वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया ठीक है इसमें ग्रे गंधारा में और गंधारा जो है ना ये आ, आ, इसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस है अमरावती और मथुरा जो इंडिया जीनस इंडिया का है ठीक है और अमरावतीवती सातवानाज के अंडर ये हुआ था फ्लोरिश हुआ था तो इनमें से हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है सो वन टू थ्री ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट जो गंदार स्कूल है ना ये डेवलप हुआ नॉर्थ वेस्ट में बोलता था इंडिया में वेस्टर्न फ्रंट ऑफ जो पंजाब है जो अभी पिशावर अफग़ानिस्तान है प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड है ठीक है तो बिल्कुल सही है कुशानाज के अंडर मथुरा स्कूल फ्लोज हुआ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना बिल्कुल इंडिया में है सेंट्रल इंडिया में हुआ अमरावती जो है ना ये ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा साउदर्न इंडिया में हुआ अंडर सतवानाज़ ठीक है शाबाश रवि शंकर इज एसोसिएटेड फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रोमेंट रवि शंकर के साथ एसोसिएटेड थे इंडिया द राइट आंसर इज सारोथ सितार फ्लूट वायलिन ही वाज एसोसिएटेड विद रविशंकर वॉज एसोसिएटेड विद सितार ठीक है शाबाश शांभू महाराज was एन एक्सपोनेंट of Kathakali. ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मशहूर है शाम्भू Maharaj. Kathakali, कली भारतनाट्यम ओडिशी and कथक एंड द राइट आंसर इज शांभू महाराज वॉज एन

ठीक है किस स्टेट में मनाई जाती एक है एक रिलीजियस फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आपको पता ही होगा अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी उस टाइम उस टाइम वहां पे भी हिंट मिलती है इज फ्रॉम महाराष्ट्र क्योंकि आपने आपको पता होगा तिलक महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और तिलक जब आजादी की जंग लड़ रह रहे थे तो वो हम गणेशा फेस्टिवल्स की गणेश फेस्टिवल्स में वो सिंबल्स दिखा देते थे ऑब्वियसली गणेश चतुर्थी एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो मनाया जाता है महाराष्ट्र में ठीक वैस्� है शाबाश

अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट फ्लो अंडर द पेट्रोनेज ऑफ अभी मैंने बोला अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट शूड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ मौरिया सतवाना कुशानस गुप्ताज एंड इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सतवानाज अमरावती है स्कूल ऑफ आर्ट वो सतवानाज के अंडर सतवाना एक डायनास्टीज थी सतवानाज के अंडर साधर्न इंडिया ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा ठीक है वहाँ पे वाइट मार्बल यूज किया जाता था द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंगड इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट स्ट्रंग थे मृंदगम तबला शहनाई संतूर एंड यस तो द राइट आंसर इज संतूर ये स्ट्रंग जैसे तबला तबला पे लेदर लेदर होता है ऊपर हम दब दब ऊपर से मारते हैं उसको स्ट्रिंग नहीं बजाते ना तो संतूर में स्ट्रिंग्स होते हैं हम उस वो क्लिप्स होती है हमारे पास उसे करते हैं तो वो ऐसे उस पे जो है ट्रू एंड फोर्थ करते हैं डिफरेंट ये टूंस बजाते हैं तो वो स्ट्रिंग्स उसमें होता है वो एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है कौन संतूर ठीक है सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें पूरी आर्ट एंड कल्चर जो ना मेजर टॉपिक्स पेंटिंग्स क्लासिकल डांसेस फोक डांसेस फेस्टिवल्स लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर बहुत सारे टॉपिक्स इसमें टच हुए तो इनशाला मैं और जो है आर्ट एंड कल्चर के मैराथन सीरीज़ लाऊंगी तो वह आज पहला मैराथन था इससे पहले भी मैंने एम सी क्यूज़ कराया है आर्ट एंड कल्चर के मैं जो लिंक्स है ना मैं प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसमें मैं आपको रीजनिंग की लिंक्स कंप्यूटर्स की लिंक्स एंड इंग्लिश ग्रामर की लिंक्स एंड आर्ट एंड कल्चर के लिंक्स प्रोवाइड करूँगी प्ले मैंने बना के रखा है जिन जिन्होंने जु, जुन, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं हमारे इस पर तो फॉर एनी कंपिटेटिव एग्जामिनेशन दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉटेंट बी जेके एस बी एस एस सी जेके पी एस सी यू पी एस सी ये क्वेश्चन आते रहते एंड आर द मेन कॉन्सेप्ट यू शुड हैव एन एम्पल नॉलेज यू शूड अ गुड होल्ड ऑन दीज टॉपिक्स तो राइट इन द कमेंट सेक्शन की आपको सेशन कैसा लगा सब्सक्राइब टू अर चैनल लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आई विशू ऑ ऑल द बेस्ट टेक केयर ऑफ सेल्फ